पिछली क्लास में अब हम लोगों ने मानव जीनोम परियोजना के बारे में पढ़ा था। अब इस जेनेटिक्स के सेकेंड चैप्टर का यानी कि जो सिक्स चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक आपके सिलेबस में आपके बुक में दिया हुआ है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसका माने होता है डीएनए उंगली छाप। ठीक है, अच्छा आप लोग देखे हुए कि गांव में जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो ये थम पढ़े लिखे क्या, आप तो बहुत सारे जॉब में जाइएगा या जो लोग गवर्नमेंट इम्प्लाई होते हैं जो सरकारी नौकरी में जाते हैं उनका जो सर्विस बुक होता है सेवा पुस्तिका उसमें सारे उंगलियों का इम्प्रेशन लिया जाता है थप्पा। तो आप जो देखिएगा कि अगर 1,00,000 व्यक्ति का ये उंगली का बाएं उंगली का या दाएं उंगली का जो थंब इम्प्रेशन अगर लिया जाए तो एक जैसा होगा नहीं होगा। तभी लोग जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो उनका इम्प्रेशन क्या होता है, थंब इम्प्रेशन लेता है और लोग निशान करते हैं, यानी कि ये निशान भी अलग होता है जो थंब इम्प्रेशन होता है वो भी अलग होता है। खैर यहाँ है कि ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है या डीएनए उंगली छाप। सीधे सीधे याद रखिए कि डीएनए उंगली छापी दो व्यक्तियों के बीच आनुवांशिक आधार पर विभिन्नता प्राप्त करने का सबसे सटीक मेथड है। ध्यान दीजिए बाबू, कह रहा है कि डीएनए उंगली छापी क्या है, तो दो व्यक्तियों के बीच आनुवांशिक आधार पर अगर विभिन्नता देखना हो तो उसके लिए सबसे अच्छी और त्वरित विधि है ये, सबसे अच्छी एवं त्वरित विधि। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि इट इज एक्यूरेट एंड फास्ट मेथड ऑफ distinguishing two individual on the basis of DNA makeup या on the basis of genetic makeup यानी कि आनुवांशिक बनावट के आधार पर आनुवांशिक बनावट के आधार पर दो व्यक्तियों के बीच अंतर करने का सबसे आसान और सबसे फास्ट मेथड है। क्या है डीएनए उंगली छाप, तो आप इसको लिख सकते हैं कि it is a great and fast method of comparing two individual on the basis of जेनेटिक मेकअप क्या आइडिया है उंगली छापी, तो कह रहा है इट इज एक्यूरेट मतलब एक्यूरेट माने सही सही, एक त्वरित विधि है, और जल्दी प्राप्त कर लेने का, इट इज एक्यूरेट एंड फास्ट मेथड ऑफ कंपेयरिंग लिख दिए, हल्का कर दिए, या डिस्टिंग्विशिंग, कंपेयरिंग या डिस्टिंग्विशिंग टू इंडिविजुअल, दो व्यक्ति, ठीक है, दो व्यक्ति को अलग अलग कर देना
दो व्यक्ति को अलग कर देना, दो व्यक्ति को अलग कर देना किस विधि पर, किसके आधार पर? तो जेनेटिक मेकअप के आधार। क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? इट इज एक्यूरेट, ACCURATE। इट इज एक्यूरेट मतलब एकदम सही सही, एंड फास्ट मेथड त्वरित विधि। कहला तो कंपेयरिंग टू इंडिविजुअल, दो लोगों के बीच अंतर करने हैं, दो लोगों का बीच कोई किसी भी दो व्यक्ति के बीच अगर तुलनात्मक अध्ययन करना हो कि कैसे वो आनुवांशिक आधार पर अलग अलग है, दो व्यक्ति कोई भी दो व्यक्ति कैसे एक दूसरे से आनुवांशिक आधार पर अलग अलग हैं, इसको जानने हेतु डीएनए उंगली छापी सबसे अच्छा मेथड है और फास्ट मेथड है। तो वही लिखा हुआ है कि इट इज एक्यूरेट एंड फास्ट मेथड ऑफ कंपेयरिंग, तुलनात्मक करना टू इंडिविजुअल कोई भी दो लोग ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप मतलब आनुवांशिक बनावट। तो आनुवांशिक बनावट के आधार पर किसी दो लोगों को अलग अलग देखना या अलग कर पाना, उसके लिए ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अब देखिए, जैसा कि अभी हम लोग बाबू पढ़ रहे थे, अभी क्या पढ़ रहे थे, जस्ट पहले पढ़े हैं मानव जीनोम परियोजना में कि जितने मानव हैं उनकी जो आनुवांशिक बनावट है, उनका जो जीन है, उनका जो जीनोम है, वो लगभग 99.9% एक जगह एक जैसा होता है। तो आप देखिएगा होता क्या है, 3.3×10^9 बेस पेयर के बने होते हैं। क्या मानव का जो अगुणित कोशिका है उसमें डीएनए इतना लंबा होता है, मानव का जो अगुणित कोशिका है उसमें डीएनए इतना लंबा होता है। अच्छा, 99.9% आनुवांशिक बनावट के आधार पर दो लोग एक जैसे होते हैं। अंतर कितना होता है? तो 0.1%, सिर्फ 0.1%, यानी कि दो व्यक्ति जीन के बनावट के आधार पर दो व्यक्ति में जो अंतर है वो 0.1% है। तो अब इस बेस पेयर का निकालने का 0.1% कितना हुआ, यही ना हो जाएगा ये 0.1%, यानी कि 0/100, इसका 1%, इसका 1% आई हट जाएगा, तो हो जाएगा इतना। अब इसको जब आप ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3.3×10^6 बेस पेयर। ये क्या है, 3.3×10^6 बेस पेयर क्या निकला, ये किसी दो व्यक्ति के डीएनए इतने 3.3×10^6 बेस पेयर के आधार माने ये इतने अलग अलग है, यानी कि किसी दो व्यक्ति का जो डीएनए होगा उसमें इतना बेस पेयर अलग है और दूसरे में भी इतना बेस पेयर अलग है। कब ऐसा हुआ, जब सिर्फ 0.1% का अंतर है। तब तो कह रहा है कि यही जो 0.1% अंतर है, यानी कि 99.9% जेनेटिक मेकअप के आधार पर, आनुवांशिक बनावट के आधार पर 99.9% दो व्यक्ति एक जैसा है। दो व्यक्ति अलग आनुवांशिक बनावट के आधार पर कितना अलग है, तो सिर्फ 0.1%, 0.1% नहीं 0.1%। तो वो कितना हुआ, तो इतना हुआ निकाला गया तो 3×3×10^6 बेस पेयर, यानी कि दो व्यक्ति इतने बेस पेयर जो डीएनए होंगे वो अलग अलग होंगे। तो कह रहा है कि यही अंतर जो 0.1% आनुवांशिक बनावट अलग अलग है, यही अंतर क्या है और कैसे इसके आधार पर दो व्यक्ति अलग अलग हो जाता है, इसी से डीएनए उंगली छापी कंसेप्ट आया कि कैसे हम दो व्यक्तियों को आनुवांशिक बनावट के आधार पर अलग कर सकते हैं। देखिए ये तो
आप लोग बुक पढ़िए समझ में आएगा, लेकिन अब हम लोग देखेंगे इसका थोड़ा सा बाबू। हम लोग पहले स्टोरी पढ़ें फिर बताते हैं इसका मेन याद क्या करना है। कह रहा है कि जो मानव जीनोम है, जो मानव का जीनोम है, या आप सिंपल कहिए मानव का जो डीएनए है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था मानव जीनोम प्रोजेक्ट में कि मैक्सिमम पोर्शन जो है, मान लिया जाए कि डीएनए है, ये क्या है आपका डीएनए है। तो मान लो उसका मैक्सिमम पोर्शन कैसे बना है, तो पुनरावृत्त भाग से बना हुआ है। लिखा हुआ है कि मानव जीनोम का मैक्सिमम पोर्शन पुनरावृत्त भाग से बना हुआ है, मतलब एक ही चीज बार 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 आके बना देता है, ACTG, यहां लिखा हुआ है ACTG। फिर मान लो यहां भी ACTG हो, वही देखिए, ये ACTG, हम क्या देख रहे हैं, यह सेक्शन इतना दूर, वही चीज यहां है, वही चीज फिर यहां है, वही चीज यहां है, वही यहां है, और यही चीज यहां है। भले देखने के लिए इतना बड़ा डीएनए है, ये डीएनए है मान लिया जाए, हम क्या देख रहे हैं कि बार 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 यही सेक्शन बार 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 आ रहा है। तो इतने बड़े डीएनए का मैक्सिमम पोर्शन ये हुआ, यानी कि मानव का जो जीनोम है उसका बहुत बड़ा भाग पुनरावृत्त भाग से बना हुआ, या मानव का जो डीएनए है उसका बहुत बड़ा पोर्शन कैसे बना है, पुनरावृत्त होकर के, रिपीटेटिव होकर। इसे रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस क्या कहा जाता है, क्या कहता है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, पुनरावृत्त डीएनए अनुक्रम, इसे क्या कहेंगे, पुनरावृत्त यानी कि बार बार आने वाला डीएनए अनुक्रम या रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। आई बात समझ में? अब कह रहा है इस पुनरावृत्त डीएनए अनुक्रम में आप देखिएगा, यह जो सेक्शन है ना जो बार 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 आ रहा है, इसे जंक डीएनए भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंक डीएनए, ध्यान दीजिए, कहा है कि इससे प्रोटीन नहीं बनेगा, यह प्रोटीन निर्माण में भाग में मदद नहीं करेगा, भले बार बार आया है लेकिन ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, लेकिन इसका महत्व है। अब कह रहा है कि जब ये आपका हुआ मेन डीएनए यहां से यहां तक, तो जब आप सेंट्रीफ्यूजेशन ग्रेडियंट है ना, जैसे आप घनत्व अपकेंद्रीकरण के आधार पर जब इस रिपीटेटिव पुनरावृत्त भाग को मेन डीएनए से अलग कीजिएगा और दोनों का घनत्व निकालिएगा, हम क्या करें कि हमारा डीएनए है इतना लंबा, लेकिन इतना लंबा डीएनए है वो देख रहे हैं कि एक ही चीज बार 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 रिपीट हुआ उससे बना हुआ है, समझ में आया। और मैं भी बताया कि जो रिपीटेटिव पोर्शन है ये प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेता है। अब कह रहा है कि ये पुनरावृत्त डीएनए को हम अलग कर सकते हैं मुख्य डीएनए से, पुनरावृत्त डीएनए को अलग कर सकते हैं मुख्य डीएनए से, वो जो हम घनत्व अपकेंद्रीकरण डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन करेंगे तो कर सकते हैं घनत्व के आधार पर। और कह रहा है कि जब आप इसको जब आप अलग कीजिएगा इस पुनरावृत्त भाग को, जब मुख्य डीएनए से अलग कीजिएगा, तो मान लिया जाए जो डीएनए है उसका अगर इतना बड़ा एक शिखर बना, ये शिखर किसका बना, ये मुख्य डीएनए का शिखर बना, तो साथ में छोटा छोटा शिखर इस रिपीटेटिव पार्ट का भी बनता है। तो मान लिया जाए ये आपका जो शिखर बना कब, जब इसका हम सेंट्रीफ्यूजेशन ग्रेडियंट किए घनत्व अपकेंद्रीकरण के आधार पर अलग किए, तो ये आपका हो गया मान लीजिए बल्क डीएनए, और ये हो गया पुनरावृत्त डीएनए, ये हो गया बल्क डीएनए, हो गया पुनरावृत्त डीएनए, यानी कि हो गया बल्क डीएनए, और ये हो गया रिपीटेटिव डीएनए RD, पुनरावृत्त डीएनए। तो ये एक बड़ा सा शिखर बनता है घनत्व के आधार पर अलग करेंगे तो जो बल्क डीएनए है, जो मेन डीएनए है, उसका एक बड़ा सा शिखर बनेगा, और साथ में छोटा छोटा जो शिखर बना
पुनरावृत्त डीएनए का, इसे कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए। किसको कहते हैं? कह रहा है कि डीएनए का मैक्सिमम पोर्शन पुनरावृत्त डीएनए से बना हुआ है। तो जब हम पुनरावृत्त डीएनए को मुख्य डीएनए से अलग करते हैं तो मुख्य डीएनए एक बड़ा सा शिखर बनाएगा और साथ में छोटा छोटा शिखर बनता है जिसे हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए किसका बना होता है? पुनरावृत्त डीएनए का शिखर होता है सैटेलाइट डीएनए। अब ये सैटेलाइट डीएनए कह रहा है जो पुनरावृत्त है, अब कह रहा है पुनरावृत्त सीक्वेंस छोटा है कि बड़ा है, इसमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस ज्यादा है, एडिनिन थाइमिन ज्यादा है कि गुआनिन साइटोसिन ज्यादा है, माने इसमें नाइट्रोजनस बेस कौन सा ज्यादा है, ये कितना छोटा है या कितना लंबा है, ठीक है, इन सब के आधार पर इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, मिनी सैटेलाइट और एक होता है माइक्रो। समझ में आया? जो सैटेलाइट डीएनए है उसको भी हम दो पार्ट में बांट देते हैं, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। किसके आधार पर? ये जो पुनरावृत्त भाग है ये एक मिनट सर, तो हम बता रहे थे बाबू कि सैटेलाइट डीएनए भी दो तरह का हो गया, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। किस आधार पर इसको बांटे मिनी माइक्रो में? कह रहा है कि पुनरावृत्त जो डीएनए है उससे जो शिखर बना वो सैटेलाइट डीएनए, आज मुख्य डीएनए का बना उसे कहते हैं, जो बल्क डीएनए, बल्क डीएनए का जो बल्क पार्ट है उससे बना बड़ा शिखर, साथ में जो पुनरावृत्त भाग है उससे बना छोटा शिखर, इसे सैटेलाइट डीएनए का। और इसको भी हम बांट सकते हैं मिनी और माइक्रो, मिनी थोड़ा बड़ा हो गया, माइक्रो काफी सूक्ष्म हो गया, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। किसके आधार पर? किसके आधार पर? कि ये जो रिपीटेटिव पुनरावृत्त भाग है, जो रिपीटेटिव भाग है, जो पुनरावृत्त भाग है, इसमें एडिनिन थायमिन नाइट्रोजनस बेस ज्यादा है कि साइटोसिन गुआनिन नाइट्रोजनस बेस ज्यादा है, ये जो ये पुनरावृत्त भाग कितना लंबा है का है, कितना लंबा है, छोटा है, कितने नाइट्रोजनस बेस है, इन सब के आधार पर इसको मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट बांट देते हैं। और यही मिनी सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है डीएनए उंगली छापी, इसी मिनी सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है प्रूफ के रूप में, प्रूफ क्या है बात से बताएंगे, यानी किसी मिनी सैटेलाइट का प्रयोग होता है डीएनए उंगली छापी। बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? इसी मिनी सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है डीएनए उंगली छापी में। कह रहा हूं कि ये जो जो पुनरावृत्त भाग है ना, ये जो बार 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 पुनरावृत्त हो रहा है जिससे डीएनए बना हुआ है, ये कह रहा है कि ये काफी पॉलीमॉर्फिक शो करते हैं, ये क्या शो करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ये बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। बहुरूपता का मतलब हुआ वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। यहां पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली माने मेनी, बहुत, मॉर्फिज्म माने आकार की, तो यहां पॉलीमॉर्फिज्म का माने हुआ वेरिएशन, विभिन्नता, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, आनुवांशिक आधार पर विभिन्नता। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो पुनरावृत्त सीक्वेंस है ये सारे मानव में एक जैसा है, ऐसा नहीं है, यही तो अंतर होता है, यही पुनरावृत्त डीएनए इसका संख्या और इसका संरचना अलग अलग मानव में अलग अलग होता है। यानी ये जो पुनरावृत्त सेक्शन है ये काफी विभिन्नता प्रदर्शित करता है अलग अलग मानव में, और वास्तव में यही पॉलीमॉर्फिज्म, यही आनुवांशिक आधार पर विभिन्नता डीएनए उंगली छापी का आधार बन जाता है। डीएनए उंगली छापी का क्या बन जाता है? आधार बन जाता है। बात समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा अब यहां जैसे आप समझ सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म कैसे, तो मान लो ये मेरे शरीर का डीएनए है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, अगर
ये डीएनए हो ये मान लो अगर ए डीएनए एक ये आप लोग में से किसी का है मान लीजिए सालू उपाध्याय का डीएनए है, सालू उपाध्याय क्लास करेंगे तो समझ में आएगा ये सालू उपाध्याय का है। तो देखिए यहां भी मान लिया जाए सपोज ये एसीटीजी है ठीक है, यही मान लिया जाए एसीटीजी है सेम बार बार रिपीट हो रहा है देखिए ये मेरा हो गया मान लिया जाए डीएनए और ये सालू उपाध्याय का है। तो अब देखिए ये पुनरावृत्त यहां कितना बार हुआ है, एक दो तीन चार पांच छह, यहां कितना बार हुआ है छह बार। सालू में देखिए तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इनमें कितना बार सेम चीज रिपीट हुआ है आठ बार। कितना बार रिपीट हुआ है आठ बार, अंतर हो गया यही चीज हमारे में था तो छह बार रिपीट हुआ हमारे डीएनए में, और यही चीज साल में कितना बार हुआ आठ बार। अब मान लीजिए हम यहां अर्श खान का देख रहे हैं, ये किसका डीएनए है मान लीजिए अर्श खान का हम देख रहे हैं। अब यहां देख लीजिए अब इनका है ए सी जी टी, ए सी जी टी फिर मान लिया जाए ए है, ए सी जी टी ए है, ए सी जी टी ए है, ए सी जी टी ए ये मेरा था मेरा डीएनए था छह बार रिपीट हुआ है क्या एसीटी, अगर यही चीज सालों में था तो आठ बार आया था, ये हम अर्श खान का देख रहे हैं। तो यहां क्या हो गया एसीजीटी हो गया, यहां एसीटीजी था ध्यान देना है यहां एसीटीजी हमारे में सालों में लेकिन अंतर था संख्या अलग अलग हो गया था, हम अर्श खान में देख रहे हैं। तो यहां क्या हो गया एसीजीटीए 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 संख्या कितना आ रहा है एक दो तीन चार पांच छह सात। अब देखिए यानी आप देख रहे हैं मेरे डीएनए में जो पुनरावृत्त सेक्शन बार बार आया वो छह बार आया, वैसा ही बनावट वाला सालों में था लेकिन आठ बार आ गया, और यही पुनरावृत्त सेक्शन अलग बनावट है ये अर्श में अर्श खान में कितना बार आ गया सात बार आ गया, यानी कि यह जो पुनरावृत्त अनुक्रम बाबू होगा ना पुनरावृत्त अनुक्रम उसकी संख्या और उसका बनावट यह अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होगा, और इसी के आधार पर ये अनुवांशिक आधार पर दो व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं। बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम कि डीएनए का मैक्सिमम पोर्शन डीएनए का मैक्सिमम भाग पुनरावृत्त डीएनए से बना हुआ है, ये किसी ये पुनरावृत्त डीएनए जो है ये प्रोटीन निर्माण भाग नहीं लेते पहला बात, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस है ये मैक्सिमम पोर्शन यही बनाते हैं। अब देखिए ये अनुक्रम जो है हमारे शरीर में छह बार मिला डीएनए पर, साधु उपाध्याय में कितना बार मिला आठ बार मिला, और अर्श खान में मेरा सीक्वेंस एसीटीजी था जो बार बार रिपीट कर रहा था, अर्श खान में एसीजीटीए है और यही चीज बार बार रिपीट कर रहा है लेकिन सात बार है, यानी
कि आप क्या देख रहे हैं कि जो रिपीटेटेड पार्ट है, जो पुनरावृत्त भाग है, वो भैरी कर रहा है। जो रिपीटेटेड, जो पुनरावृत्त भाग है डीएनए में, वो अलग अलग व्यक्ति से व्यक्ति में अलग अलग हो रहा है। इसको कहा जाता है VNTR। क्या कहा जाता है बाबू इसको? VNTR। क्या है VNTR? तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। भी से हो गया वेरिएबल, एन से हो गया नंबर, टी से हो गया टेंडम, आर से हो गया रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स यानी कि जो पुनरावृत्त भाग है, जो टेंडमली रिपीट कर रहा है, उसका संख्या वेरिएबल होगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। एंड दिस इज द मेन बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या? वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, मतलब आनुवांशिक आधार पर विभिन्नता। ये आनुवांशिक आधार पर विभिन्नता दिखा रहे हैं। बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अब कह रहे बाबू कि जो आनुवांशिक आधार पर विभिन्नता है, पॉलीमॉर्फिज्म, ये वास्तव में जीव में कैसे उत्पन्न हो जाता है? तो कह रहा है कि जीव में उत्पन्न हो जाता है उत्परिवर्तन के द्वारा। किसके द्वारा? म्यूटेशन के द्वारा। पता है ना बापू म्यूटेशन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। तो एट सडन एट रेंडम चेंजेज इन जेनेटिक मेटेरियल, किसी सजीव के अनुवांशिक पदार्थ या डीएनए में जो अचानक बदलाव आ जाता है, उसे कहते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन जिसके हेल्प से होता है, उसे म्यूटाजन कहते हैं। जैसे आप लोगों को पहले ही बताए होंगे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, कुछ रसायन भी होते हैं जिसके हेल्प से म्यूटेशन हो जाता है, डीएनए में बदलाव आ जाता है। तो कह रहा है कि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, अनुवांशिक आधार पर विभिन्नता सजीवों में म्यूटेशन से उत्पन्न हो जाता है। अब कह रहा है कि अगर विभिन्नता आया, अनुवांशिक विभिन्नता आया, अनुवांशिक बदलाव आ गया, तो अनुवांशिक बदलाव हमारे शरीर में दो तरह का सेल है, एगो गैमेट सेल है, एगो बॉडी सेल है। एगो जर्म सेल है या एगो रिप्रोडक्टिव सेल है, और एगो सोमैटिक सेल है। तो सोमैटिक सेल काई कोशिका जिससे हमारा शरीर बना, हमारे शरीर का काया बना, और जर्म सेल जिसे गैमेट सेल कहते हैं। तो कह रहा है कि ये जो बदलाव हुआ, जो म्यूटेशन, ये तो काई कोशिका में भी आ सकता है और गैमेट सेल में भी आ सकता है, जनन कोशिका में भी आ सकता है। तो काई सेल से तो कोई बात नहीं है। कह रहा है अगर जनन कोशिका में म्यूटेशन आ गया, विभिन्नता हो गया अनुवांशिक पदार्थ, और उस बदलाव के चलते उस जीव का अगर जनन क्षमता प्रभावित नहीं हुआ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी वह विभिन्नता चला जाएगा और पूरे पॉपुलेशन में फैल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पीढ़ी दर पीढ़ी दादाजी से उनके बेटा में, बेटा से उनके बेटा, उनके बेटा से उनके बेटा में वो चलते जाएगा। काहे? कि जनन क्षमता को प्रभावित नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो और वो पूरा उस खानदान में पाया जाएगा। या थोड़ा सा इसका कंसेप्ट था। अब हम लोग देखेंगे कि लैब में डिंगर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है, लैब में जो आप जाइएगा फोरेंसिक लैब, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे या बच्चियां सीआईडी देखते होंगे। तो जो सीआईडी जो सीरियल देता है टीवी में, उसमें गेट कौन तोड़ता है? दया गेट तोड़ता है। और अगर एसीपी है प्रदुमन महोदय, तो आप लोग जो दया गेट तोड़ते हैं या प्रदुमन जो होते हैं, एसीपी प्रदुमन क्रिमिनल का पता लगा देते हैं, लेकिन किसके आधार पर? तो जो फोरेंसिक लैब है, फोरेंसिक लैब में जो उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं, कैसे मर्डर हुआ है, क्या हुआ है, क्या कैसे था, उसके आधार पर बताते हैं। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपराध विज्ञान में, अपराध विज्ञान में इसको डिटेल से पढ़ा जाता है। फोरेंसिक साइंस में इसको पढ़ना अलग से, फोरेंसिक साइंस और फोरेंसिक लैब में
करें फोरेंसिक लैब में कैसे, किस मेथड से कैसे हम डीएनए उंगली छापी करते हैं, कैसे दो व्यक्ति का डीएनए प्राप्त करते हैं, ये मेथड हम लोग देखना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है इसका करने का। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया क्या है, मेथड्स क्या है डीएनए छापी करने पकड़ने का। तो देखिए, सबसे पहले डीएनए उंगली छापी वर्ड में किसने डेवलप किया था, एलेक जेफरी ने। एलेक जेफरी महोदय जो है यही जाने जाते हैं विश्व में डीएनए उंगली छापी तकनीक विकसित करने के लिए। डीएनए उंगली छापी तकनीक विश्व में किसने सबसे पहले विकसित किया, एलेक जेफरी। ठीक है, याद रखिएगा। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये तो हो गया विश्व में एलेक जेफरी, अब भारत में कौन विकसित किए थे, भारत में के वैज्ञानिक भी किसी से कम थोड़े हैं। तो जब विश्व में टेक्निक डेवलप हो गया तो भारत में भी एक सेंटर है सीसीएमबी। क्या सेंटर है, सीसीएमबी, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद। वही रिसर्च कर रहे थे, इनका नाम था डॉक्टर लालजी सिंह, डॉक्टर लालजी सिंह। इनको श्रेय जाता है भारत में डीएनए उंगली छापी विधि विकसित करने का श्रेय किनको जाता है, डॉक्टर लालजी सिंह को। विश्व में किसको जाता है, एलेक जेफरी को, और भारत में डॉक्टर मुख्य रूप से डॉक्टर लालजी सिंह। ऐसे इनके साथ एक और वैज्ञानिक काम की थी जिनका नाम था एस आर कश्यप, लेकिन इनको हम याद रखेंगे डॉक्टर लालजी सिंह का। यही भारत में डीएनए उंगली छापी विकसित किए थे, और किस पर वर्क करके विकसित किए थे, तो ये फीमेल बैंडेड करैत स्नेक, करैत स्नेक, इस पर इन्होंने वर्क किया था, फीमेल बैंडेड करैत स्नेक। करैत सांप आपको समझ रहे ना, करैत और कोबरा, तो करैत सांप में जो मादा करैत थी उसका एक वैरायटी है फीमेल बैंडेड, उसी फीमेल बैंडेड करैत स्नेक पर काम किए थे। और ध्यान दीजिएगा, जो फीमेल जो होती है स्नेक में, जो फीमेल होती है, ध्यान दीजिए, स्नेक में जो मेल होते हैं, मेल उनके पास वाई वाई क्रोमोसोम होता है। स्नेक में मेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, वाई वाई, और स्नेक में जो फीमेल होती है उसका क्रोमोसोम होता है एक्स वाई। कुछ बात समझ में आ रहा है, स्नेक में मेल का सेक्स क्रोमोसोम वाई वाई और फीमेल का होता है एक्स वाई। तो इसी फीमेल बैंडेड करैत स्नेक के वाई क्रोमोसोम पर वर्क करके डॉक्टर राजी सिंह ने डीएनए उंगली छापी का डेवलपमेंट किया था। बात थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अब हम लोग को ये जानना जरूरी है, डॉक्टर लालजी सिंह भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप किए थे, और एलेक जेफरी विश्व में, याद रखिएगा। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, अब हम आते हैं मेन प्रोसेस, इसमें मेथड क्या है। कैसे हम डीएनए, तो सबसे पहले हम चलते हैं, मान लीजिए किसी क्राइम स्पॉट पर, क्राइम स्पॉट मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है जहां मर्डर हुआ है, कोई एक क्षेत्र है जहां मर्डर हुआ है। आप देखिएगा कहीं किसी का मर्डर हो जाता है सड़क पर या मॉल में।